हेलो बच्चों, वेलकम टू पीसीएमबी डिजिटल। आज बच्चों हम 9th क्लास की 12/4/2021 की हिंदी मीडियम मैथ्स की वर्कशीट पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, ऐसा होता है, एक होता है परिमेय संख्याएं, एक होता है अपरिमेय संख्याएं। जैसे मीना ने एक क्वेश्चन पूछा है, राजू क्या तुम बता सकते हो कि 20 + 15 कितना होता है। मतलब मीना ने राजू से कहा कि भैया 20 + 15 कितने होते हैं। सिंपल शब्दों का मतलब यह है कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ पूछा गया है, और दो परिमेय संख्याओं का जोड़ करना बड़ा ही आसान होता है। जैसे सिंपल जोड़ करना, साधारण जोड़ करना, 0 और 5 कितना हो गया बेटा, 5, 2 और 1 3 मतलब 35। मतलब दो परिमेय संख्याओं का जोड़ भी एक परिमेय संख्या ही होता है। ऐसे ही फिर इसने पूछा कि राजू बिल्कुल सही है, 20 + 15 35 के बराबर होते हैं। अब अगली बात, इसने बेटा दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने की बात की गई है, 3√2 + 5√2। अब देखो बेटा, जो भी आपके पास अपरिमेय संख्या है, जैसे यहाँ √2 अपरिमेय संख्या है, तो इसको x मान लेना चाहिए। तो आप देखोगे इसको 3√2 + 5√2, मतलब ये हुआ 3√2 की जगह x लिखो, 5 का 5, √2 की जगह x, और ये बन गया बेटा 8x। और हमें मालूम है कि x हमने किसको माना है, √2 को। तो देखो हमारा आंसर 3 यानी 8√2 आ गया। कितना आ गया बेटा, 8√2 आ गया। इसी तरीके से हमें जो है क्या करना है, 8√2 + 11। देखो जरा यहाँ लिखा हुआ है, राजू ने एक क्वेश्चन और पूछा, कहा कि 8√2 + 11, 8√3, 11√3। तो आप देखो ये आ गया 19√3। आप √3 की जगह x मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 8√2 + 11√3 + 20√3। अब देखो बेटा, ये दोनों परिमेय संख्याएं सेम है, तो दोनों को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। मतलब 11 और 20 कितना होता है बेटा, 31, और √3 का √3 बेटा। इसी तरीके से हम आगे के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, लेकिन ये असंभव होगा कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना। जैसे मैं आपसे कहूं 8√2 + 6√3, देखो बेटा यहाँ सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही अपरिमेय संख्याएं अलग अलग, तो इन दोनों को इसी तरीके से रखा जाता है। हाँ जी बच्चों, देखो इन्होंने यहाँ कुछ और एग्जाम्पल पूछे गए हैं हमसे, उन्हें हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे 10√2 - 6√2, तो आप अब यहाँ देख सकते हैं बेटा कि दोनों परिमेय संख्याएं क्या हैं, आप बराबर सेम है। मतलब 10√2 में से 6 रूट चला गया, तो 4√2 हो गया बेटा। हाँ जी बेटा, इसी तरीके से 15√7 - 3√7, देखो दोनों अपरिमेय संख्याएं अलग अलग हैं या सेम है, तो आपका आंसर होगा सर एक जैसी है। तो देखो बेटा, 15 - 3 मतलब 12√7 आ गया बेटा। अब हम एक एक करके इसकी अभ्यास की एक्सरसाइज को भी करते हैं बेटा। देखो बेटा, हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहां अभ्यास के लिए कि 25√2 + 6√2। देखो बेटा, दोनों अपरिमेय संख्याएं अलग अलग नहीं है, दोनों ही सेम है, 25 6 31√2। इसी तरीके से बेटा सेकंड, 8√5 - 2√5 बेटा, 8 में से 2 गया मतलब 6√5। हाँ जी बेटा, सिमिलरली हम तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, 9
रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री। बेटा 9 में से 3 गया तो मतलब 6 रूट 3 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी देख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना बेटा, इन दोनों को सॉल्व करते समय दोनों अपरिमेय संख्याएं समान होनी चाहिए। देखिए बेटा, 12 रूट 6 प्लस 18 रूट 6। बेटा 12 और 18 मतलब ये हो गया बेटा 30 रूट 6। 5 देखें बेटा, ये है बेटा 11, रूट में बाहर 7, 3 रूट 11। मतलब देखो दोनों परिमेय संख्याएं अलग अलग है लेकिन अपरिमेय संख्याएं समान है, मतलब आसानी से इसे जोड़ा जा सकता है। 7 3 10 रूट 11। हाँ जी बेटा, इसी तरीके से अब हमारा 6 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। 7 रूट 3 माइनस 6 रूट 3 मतलब ये आ गया बेटा 1 रूट 3। इस तरीके से बेटा हमारी वर्कशीट अब कंप्लीट हो जाती है। अगर वीडियो बेटा आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें आगे की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। बेटा थैंक यू।